हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में। अगर आपका खाता इस बैंक में है या फिर आपके परिवार में से भी किसी का भी खाता इस बैंक में है तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम की हो सकती है, क्योंकि अगर आपका खाता इस बैंक में है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आपका जो पैसा बैंक में है आप उस पैसे से पैसे कमा पाए। यानी कि मैं बात करने वाला हूं यहां पर एफडी की, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। एसबीआई की है, पंजाब नेशनल बैंक की है, और भी कई सारी बैंक के हैं जो कि मैंने उनसे रिलेटेड, एफडी से रिलेटेड यहां पर वीडियो बनाकर मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। और आप उस पैसे से जो कि आपके खाते में है और आप किसी को भी पैसा देना नहीं चाहते हैं, यानी कि आप जब चाहें अपना पैसा खाते से निकाल सकते हैं और इसी के साथ में उसी पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके का ये एफडी एक प्लान होता है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में। अगर आपका खाता इस बैंक में है या फिर आपके परिवार में से भी किसी का भी खाता इस बैंक में है और आपका पैसा इस बैंक में है, ठीक है, तब आप यहां पर क्या गलती कर रहे हैं और आप पैसे से पैसा किस तरीके से नहीं कमा पा रहे हैं, और आपने एफडी करा भी दिया है तब आपको यहां पर किस तरीके से पैसा निकालना है और एक्चुअली में आपको नुकसान यहां पर कितना हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपने एफडी नहीं कराई है तो आपको इस बैंक में एफडी कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से रिलेटेड आपको यहां पर पूरी जानकारी हो जाएगी एफडी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में जब भी आप एफडी कराने जाते हैं, चाहे एफडी आप 1,000 की कराते हो, चाहे आप 1,00,000 की या फिर 2,00,000 की या फिर 10,00,000 की आप एफडी क्यों ना कराते हो, ठीक है। पर इसमें जो प्रोसेस है एफडी करने का वो ये है कि आपको एकदम जैसे कि न्यू अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वही अकाउंट फॉर्म आपको भरना होता है, और उसी तौर पर यानी कि उसी तरीके से आपकी एफडी होती है, यानी कि अन्य बैंकों के मुकाबले। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में है तो वो आपसे एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं और जो आपका अकाउंट पहले से होता है उसी से वो जोड़ दी जाती है एफडी, ठीक है। पर यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपका जो खाता है वो समझो पूरी तरीके से एक न्यू खाता खोला जाता है एफडी का, ठीक है। तो ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में होता है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि फोटो भी लगाना होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, जब से आप नया अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो वो फॉर्म भरना पड़ता है 3-4 पेजों का, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको जब भी आप एफडी कराते हैं तब भी आपको उसी तरीके का पेज, यानी कि जो 4-5 पेजों वाला जो फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जो आपका एफडी है यानी कि जो आपका खाता है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में उससे नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि आपका एकदम बिल्कुल न्यू खाता खोला जाता है और न्यू तरीके से एफडी की। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि एफडी आप कराते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को यहां पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात तो हम बाद में बात तय करेंगे कि इस बैंक में हमें एफडी कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी बातों जानने के बाद तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने 1,00,000 की यहाँ पर एफडी कराई थी, जो कि आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रही है, ठीक है, 1,00,000 रुपए यहाँ पर किस डेट में कराई थी वो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर शाखा यानी कि शाखा नेम देखने को मिल जाता है, यानी कि कौन कहाँ पर है ये शाखा, ठीक है, वो आपको मैंने यहाँ पर ये कट कर दिया है, ठीक है, थोड़ी अपनी जो पर्सनल जानकारी है मैंने यहाँ पर कट कर दी है। उसके बाद में आपको जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस जिले में है वो आपको यहाँ पर जिला नेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद में श्रीमती यानी कि किस नेम से है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेल है या फिर फीमेल है वो उसका नेम पड़ेगा यहाँ पर, उसके यानी कि माता पिता का नाम पड़ेगा यहाँ पर, वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसे बोलते हैं हम सनाफ, ठीक है। उसके बाद में आपको पता यानी कि पूरा एड्रेस देखने को मिल जाता है, जो एड्रेस है मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल है मैंने यहाँ पर ब्लर कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर कितने रुपए की हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि 1,00,000 ओनली, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, यानी कि किसने की है यानी कि सेल्फ यानी कि मैं खुद से कर रहा हूँ, ये इसमें ये दिया गया है, ठीक है, सेल्फ का मतलब ये होता है इसमें। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है कितनी आपकी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको रसीद क्रमांक संख्या है वो आपको यहाँ पर ये नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने ये बताई दी है कि 1,00,000 रुपये की एफडी है। उसी के बाद में कब यहाँ पर
यानी कि ये जारी की गई है, यानी कि किस दिन एफडी की गई है वो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यानी कि ये है आपका ब्याज, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपए की एफडी कराई है तब आपको यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, वो आपको ये निश्चित करता है जहां पर यानी कि ब्याज दर यानी कि वार्षिक। तो ये अगर आपका 8% होता है यहाँ पर तो आपको मतलब हो जाता कि यहाँ पर आपको सालाना 8,000 रुपए मिलने वाले हैं 1,00,000 पे, ठीक है। इसका आखिर बेनिफिट क्या होता है वो हम एक्चुअली हम बाद में समझेंगे, पहले आप इन बातों को समझ लीजिएगा। उसके बाद में यानी कि अवधि यानी कि कितने ईयर के लिए, यानी कि 1 साल के लिए है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 26/7/2023, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल गया है कि आपको कितनी अमाउंट यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अमाउंट है वो आपकी कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है इस तारीख में, ठीक है, इस तारीख के पहले आपको इतनी अमाउंट नहीं मिलेगी, और अगर आप इस तारीख से पहले पैसे लेने जाते हैं तब आपको क्या नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ी गलती होती है वो यहीं पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तारीख के बाद जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1,05,095 रुपये, ठीक है, ये आपको यहाँ पर अमाउंट मिलने वाली है। तो ये यानी कि ये एफडी है, यानी कि मेरे पास 2 एफडी थी और 1 एफडी मैं यहाँ पर कल जमा करके आया हूँ, वो उसका पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो ये मेरी दूसरी एफडी है, तो इसकी मैंने एक फोटोकॉपी करा ली है क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉमिनी नंबर, यानी कि जो नॉमिनी का क्रमांक नंबर होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक की मोहर देखने को मिल जाती है और यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसके सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये बैंक की मोहर मेरे पहले नहीं थी, मैंने देखी थी तो मैं उसके बाद में बैंक में गया, मैंने कि अपनी मोहर नहीं लगाई है तो उन्होंने कहा ये गलती से छूट गई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ कि मैनेजर, ठीक है, तो जो बैंक का मैनेजर होगा वो आपको मोहर लगा के देगा, क्योंकि इस चीज़ को आप जरूर चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि या तो मैनेजर भूल जाते हैं जल्दी में या फिर वो लगाते नहीं है, तो आपके पास अगर इस तरीके का सर्टिफिकेट भी मिल गया है तब आपको यहाँ पर बैंक की जो मोहर है वो लगी हुई होना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो प्रूव करती है कि हाँ आपने एफडी कराई है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि ये अन्य बैंकों के मुकाबले, ठीक है, अन्य बैंकों के मुकाबले जो ब्याज है वो यहाँ पर ये कम देती है बैंक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि SBI को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये SBI की है, ठीक है, ये SBI की, तो आपको यहाँ पर ब्याज दर यानी कि ब्याज रेट यहाँ पर देखने को मिल गया है इंटरेस्ट रेट यानी कि 6.80, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर लमसम में 7,000 हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल में यहाँ पर कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर कितने रुपए मिल रहे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपको FD इसमें कराना नहीं चाहिए मेरी समझ से, ठीक है। अगर आपका खाता दूसरे बैंक में नहीं है तो आप खाता खुलवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो उस पैसे का यूज होना चाहिए और आप पैसे से तभी पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका पैसा खाते में है और आपको लगभग 7 दिन या फिर 7 दिन से आप कम की FD नहीं करा सकते हैं, ठीक है, 7 दिन से आप 1 साल की, 2 महीने की, 15 दिन की या फिर 6 महीने की आप यहाँ पर FD करा सकते हैं। जितने समय के लिए आप FD कराएंगे उतना ही बढ़कर आपको यहाँ पर ब्याज मिलता है और वो ब्याज आप ले सकते हैं जब भी आप पैसे अपने अकाउंट में लेंगे तब। और इस चीज के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका ब्याज बनने आया है वो यानी कि मंथली का चाहिए यानी कि लास्ट में चाहिए सारा पैसा, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में एक बेनिफिट और भी है, ठीक है, यानी कि अगर आप FD कराते हैं तो FD का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि भाई हमें 1 मंथली या फिर 1 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है और पड़ेगी भी तो हम पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप FD करा देते हैं तो आपको अचानक से बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तब आप बैंक में जाएंगे और आप अपनी FD तोड़वा कर पैसे निकाल लेंगे। पर यहाँ पर इस बैंक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप FD यानी कि तोड़वाते हैं तब तो आपको यहाँ पर जो ब्याज है यानी कि पेनाल्टी भरनी पड़ती है, ठीक है। अगर उन्होंने 3.5 लगा दी पेनाल्टी तो आपको तो यहाँ पर 1.5 ही बचेगा, तो कहने का मतलब है आपको तो 1.5% ही बचेगा, ठीक है।
तो ये बैंक के अंदर ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और मैंने पंजाब नेशनल बैंक में भी एफडी कराई थी, पर मुझे यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ भी गई थी, तो मैं गया और उस फॉर्म को लेकर, और उन्होंने एफडी तोड़कर मेरे तुरंत अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके की कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई, ठीक है। मैं बता दूं, जितने मेरे समय हुआ था उसी हिसाब से उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो इस पॉइंट को लेकर भी यहाँ पर ये बैंक मार खाती है, यानी कि यहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसी के साथ में जब भी आप एफडी कराने जाते हैं तब आपसे अधिक यहाँ पर ज्यादा लंबे फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि फोटोस वगैरह और बहुत सारे झंझट, ठीक है। इस बैंक में यहाँ पर और भी एक पॉइंट मिला है, जैसे कि इस बैंक से आप पैसा एकदम नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि हो सकता है कई सारी बैंकें ऐसी है, अलग अलग जगह पर होती हैं, तो कुछ बैंकों में पैसा रहता है, कुछ बैंकों में पैसा नहीं रहता है, ठीक है। पर जो कि मैंने इस बैंक में देखा है वो ज्यादातर यही देखा है कि लेन देन में भी प्रॉब्लम आती है पैसे को लेकर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब भी आप एफडी निकालने जाते हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है, तो चलिए इसके मैं जो ओरिजिनल इसका पेपर है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसका जो ओरिजिनल पेपर है वो इस तरीके का है, ठीक है। अब आपसे जे आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है, जे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना होता है, ठीक है। हालांकि अगर ये सर्टिफिकेट खो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तब आपको, यानी कि आपको बैंक जाना होता है और उसके बाद में आपको बताना होता है कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया या फिर गुम हो गया है। तब वो लोग ढूंढते हैं, फिर आपको बातें बताते हैं फिर बाद में कि आज नहीं कल आना, कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, कि आज ढूंढने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे तरीके की बातें बताते हैं। जो बात रियल होती है मैं वही बात बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको ये कि ये इस तरीके का यहाँ पर टेम्पलेट मंगवाएंगे जो कि आपको 1 से 2-3 रुपए का मिलता है, ठीक है। इसे मैंने ले लिया था, मैंने 2 ले लिए थे और इसे आपको यहाँ पर इसे चिपकाना होता है टिकट के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ आपके सामने ही से, किस तरीके से लगाना होता है। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से, इसका अभी 2 महीने रह गए हैं और मेरी कल एक एफडी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगाऊंगा और ये बैंक में यही मुझे रूल सही नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें जो एफडी का समय है वो बढ़ाया भी नहीं जाता है खुद से, और अगर आप पैसे निकालने जाते हैं तो आपको ये कई सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं कि भाई इसकी फोटो कापी कराओ, ठीक है। और वो फॉर्म ढूंढना पड़ता है जो फॉर्म से आपने एफडी के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जो आपने अकाउंट खुलवाते समय फॉर्म भरा था वो फॉर्म यहाँ पर वो बैंक वाले ढूंढते हैं सारे कागजों में, फिर उसके बाद में एक पर्ची लेते हैं जो कि पैसे ट्रांसफर करने की, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इस अकाउंट से जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक में, तो उसकी वो आपको अकाउंट नंबर यानी कि पासबुक की फोटो कापी लेनी पड़ती है ताकि उस जो आपका अकाउंट है उसमें पैसा पहुंच जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें वो मैनेजर ही खुद भर देता है, ठीक है। उसके सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर और वो उसके बाद में दे देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर आपको भी करना होता है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, बैंक मैनेजर है वो यहाँ पर सिग्नेचर करता है और आपको यहाँ पर करना होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये फॉर्म जमा कर देना होता है। जमा करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट में अगर पैसा होता है तो वो लोग दे देते हैं, वरना कह देते हैं कि आप कल आना कि परसों आना। तो ये बैंक का ये मुझे रूल सबसे ज्यादा बुरा लगा, ठीक है। SBI से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको बस छोटा सा एक फॉर्म भरना होता है और जो आपका अकाउंट है उसी से ही वो अकाउंट एड हो जाता है, ठीक है, यानी कि एफडी का, ठीक है। तो उसका जो पैसा है जब भी आप निकालने भी नहीं पहुंचते हैं ऑटोमेटो उसका समय पूरा हो जाता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि चलिए मैं आपको यहां पर दिखा भी रहा हूं, यहां पर सीधे साफ साफ लिखा है क्रेडिट इंटरेस्ट मंथली प्रोसीड, ठीक है। तो यानी कि अकाउंट नंबर है वो आपके अकाउंट नंबर पे यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुझे पंजाब नेशनल बैंक का है और SBI का है, ये बैंक के मुझे सबसे अच्छी लगी है एफडी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप इस बैंक में करा रखी है तब आप जो समय है वो पूरा हो जाए तब आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद में आप एफडी कराते हैं तब आप अदर बैंकों में करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट रेट है वो भी हमें कम मिलता है, जब पैसा ही हमें कम मिलेगा तो हमें बेनिफिट होता क्या है इससे एफडी का, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूं जो भी सवाल थे एफडी से रिलेटेड, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से रिलेटेड, वो आपको सारे के सारे जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी सवाल या जवाब रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपको रिप्लाई उसका जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।